वॉचमैन के चैप्टर 193 ने कंफर्म किया है कि साइतामा का नेम अब हिस्ट्री में जा रहा है। एक 800 साल पुराने बैटल को एंड करते हुए और ह्यूमैनिटी को एक्सटेंशन से बचाते हुए ये कंफर्म करता है साइतामा के नए ट्रेनिंग आर्क को, जो कि उसे ग्रेटेस्ट हीरो बनाने वाला है, जो कि गॉड के साथ अब फाइट करेगा। नाउ आफ्टर कि तुमने कवर पेज पे 5 मिनट स्पेंड किया है ऑफ कोर्स क्लोजली इसको स्टडी करते हुए, ऑफ कोर्स ये बात है तुम्हें इस पे एक ईस्टर एग भी मिला होगा। Let me guess, तुम्हें शायद से 2 बड़े ईस्टर एग मिले हैं। लेकिन मस्क्यूटो गर्ल को पास करो, हम देखते हैं साइतामा को, जो कि ड्रैगन अलायंस से फाइट कर रहा है। ऑफ कोर्स वो इस रैंगो ग्रुप को वन शॉट करता है। इस शानदार नॉकडाउन की वजह से उसका एक एलाई ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ सेंट्स। ये वही ग्रुप था जो कि इस ड्रैगन अलायंस के साथ वॉर में थे। ये एक ऐसी चीज को गार्ड कर रहे थे जिसका नाम था सील स्टोन, जिसका काम था कि ये स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को रेजरेक्ट होने से रोकते। लेकिन थैंक्स टू ये बॉल थी कि अब उन्हें इस चीज का डर नहीं कि ये अब किसी के रॉन्ग हाथों में जाएगा। इंसानियत अब हमेशा के लिए सेफ हो चुकी है और इस क्रम के लिए अब साइतामा का नेम हिस्ट्री में नोट डाउन किया जाएगा। साइतामा एक ट्रू हीरो है, वो इवन और डेवलप हुआ है आफ्टर इवन चैप्टर 187, सिंस उसने अपने अर्ज को कंट्रोल करके अपने हीरोइज्म को आगे रखा है इंस्टेड ऑफ हिज अर्ज। स्टिल वो सेम कर रहा है, जब उसने एक चोर को पकड़ा तब उसने एक मॉन्स्टर को मारा, दैट्स ऑल कि साइतामा केयर करता है। इनफैक्ट उसके पर्सनल प्रेफरेंस में वो चाहता है कि वो हिस्ट्री में ना जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइतामा के बारे में। वो रैदर किंग के साथ घर बैठ के गेम खेले, लेकिन इंस्टेड वो एक मैसिव लोर में फंस गया है रिगार्डिंग ड्रैगन्स की, आखिर कैसे ये एक लोसियल बींग्स है और ये कैसे ह्यूमैनिटी को एक ही पल में तबाह कर सकते हैं। इनफैक्ट एक ड्रैगन इतना क्रूल था कि उसका नाम था क्रूल ड्रैगन। That's just lazy writing. Now, ये एक fun fact है उन लोगों के लिए जो नहीं जानते। ये dragon actually हमें reveal हुआ था chapter 164 में in the manga। जब साइतामा और गारो का fight होता है in the manga, ये cruel dragon का सर हमें एक temple में दिखता है beneath the waterfall जिसपे वो fight कर रहे थे, जो कि गारो के strike से हुआ था। Now, of course, अगर तुम्हें ये नहीं पता था, then तुम्हें legally अब हमें subscribe करना पड़ेगा और use करना है code ABD for gamer subs। इन दोनों चीजों को तुम्हें पूरा करना है। मूविंग ऑन, इस ड्रैगन को डिफीट करने के लिए कई लेजेंड्स एक साथ आए। इनफैक्ट कई ने अपनी जान को खोया और फाइनली इस ड्रैगन को 9 सील में सील किया गया। देयरफॉर सेंट्स पीछे रह गए ताकि ये इटर्निटी के लिए इसका देखभाल कर सके। इन स्पाइट ऑफ दिस, कईयों को लगा कि वो ड्रैगन बॉर्न है। उनकी ड्यूटी अब ये बन चुकी थी कि वो इस क्रूल ड्रैगन को अब वापस रिवाइव करेंगे और इस ग्रुप का नाम था डेथबोन। और रिसेंटली मॉन्स्टर्स के बढ़ने की वजह से इस ग्रुप के पास ये चांस था कि वो समहाउ इस ड्रैगन को रिवाइव करे। और सिंस साइतामा ने सेंट्स पे हुए एक एम्बुश को रोका और मॉन्स्टर को डिफीट किया, देन स्टिल ये सर्वाइविंग मेंबर ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता। उसका मानना है कि इवेंचुअली टाइम आने वाला है जब क्रूल ड्रैगन वापस आएगा। लेकिन साइतामा का कहना है कि इवेंचुअली कब, 10 years या फिर 100 years या फिर अब। That's right, तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये स्टोरी बिल्कुल एक बुलशिट है और इवन साइतामा को भी सिमिलर चीज लगता है। वो एक सोल्यूशन के साथ आता है जहाँ पे सेंट्स और डेथबोन दोनों खुश है। वो बेसिकली ड्रैगन बॉल के आर्क को स्पीड रन करता है और सारे स्पेयर्स को इकट्ठा करता है और इन स्पेयर्स की मदद से वो वापस क्रूल ड्रैगन को रिवाइव करते हैं ताकि वो मार सके। नो जॉब फॉर सेंट्स। साइतामा जस्ट गोकू की तरह है, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को फेस करता है, इंस्टेड कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय करे वो उन्हें कल्टिवेट करता है। What does that have to do with him? No. He's got a point. जब ड्रैगन रिवाइव हो रहा था वो ये कह रहा था कि वो लिटरली अब ह्यूमैनिटी को मार के रख देगा, सिंस वो कई सालों से हेट्रेड को जमा कर रहा है। वो कहता है भीखन। तब वो वन शॉट होते हुए कहीं ना कहीं, लेकिन ये तुम्हें फेमिलियर लग रहा होगा। After all, क्यों ना हम quickly recap कर लें। Ancient creature जो कि power को possess करता है और वो multiple spheres में कैद है जो कि पूरे world के around है। एक group है जो कि believe करती है कि उनका duty है कि वो उसे resurrect करे। ये इतना powerful है कि बस साइतामा ही defeat कर सकता है। You know, मैं story को लेके कहाँ जा रहा हूँ। ये story random load dump नहीं था, क्योंकि ये क्रूल ड्रैगन आर्क जो कि साइतामा ने जस्ट स्पीड रन किया, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है टू डेस्टिन बैटल अगेंस्ट गॉड। ये एक्चुअली रीजन है कि आखिर क्यों वेब कॉमिक स्लाइटली मांगा के टूवर्ड्स डिजाइन हो रहा है। ये चैप्टर लेटर इवन गॉड को भी रेफरेंस करने वाला है। नाउ रिमेंबर, इन चैप्टर 139 मॉन्स्टर किंग ओरोची एक पत्थर को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक एंशिएंट को रिवाइव करने के लिए एक वर्दी सैक्रिफाइस चाहिए, एंड उसका मानना है कि साइतामा चोजन वन है।
एंड ये क्यूब सील्स कहीं ना कहीं एक हिडन रेफरेंस है टुवर्ड्स द सील जो कि हमने देखा था ऑन द गॉड्स आई। गॉड्स स्पीयर के पास ये पावर है कि लिटरली वो ह्यूमंस को भी मॉन्स्टर्स में टर्न कर सके। इनफैक्ट ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि वीक माइंडेड लोगों को करप्ट करता है। प्लास ने ये मेंशन किया कि साइतामा और गारो का फाइट लिटरली मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स को क्रेजी कर रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डायमेंशनल सील ब्रेक हुआ जिसमें गॉड कैद था। So with chapter 193, a One Punch Man full circle में आ चुका है। As if not only ये बस अब शोनन को ट्रोल कर रहा है, बल्कि ये अब अपने आप को भी ट्रोल कर रहा है। Blast और उसके Guardians of the Galaxy कहीं न कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्हीं Saints को, जो कि weak willed है, जो कि God के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं होमलेस एम्परर और ओरोची, वो है डेथ बोन्स। As हमें पता है कि God 800 ओल्ड से काफी पीछे है। As वो बींग्स जो कि ओरोची ने टैबलेट्स में देखा था, वो काफी पीछे के बींग्स हैं। As One Punch Man में डायनासोर्स काफी पहले रोम किया करते थे, जैसे कि टेरा लिजर्ड क्लैन 300 मिलियन ईयर्स अगो। सजेस्ट करता है कि गॉड इनफैक्ट तब से ही यहाँ पे पूरे बींग्स को मैनिपुलेट कर रहा है। हाउएवर साइतामा के बर्थ के बाद ही गॉड ने चीजों को अब काफी जल्दी पुल किया है। नॉट ओनली ये कन्फर्म था इन चैप्टर 173 कि साइतामा ही वो इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोर मॉन्स्टर अटैक और गॉड जो कि अट्रैक्ट हो रहा है। 20 साल पहले जब साइतामा बस 5 साल का था, तब बोरिस को ये प्रिडिक्शन मिला था कि उसे उसका वर्दी अपोनेंट फार अवे प्लैनेट में मिलेगा। उसके मिनियंस को नहीं लगा था कि ये प्रोफेसी ट्रू होगा, लेकिन हमें पता है कि फॉर्चून टेलिंग एक लेजिटिमेट एबिलिटी है इन वन पंच मैन। नाउ इन सारी चीजों का गॉड के साथ क्या? इन चैप्टर 30 शिफावावा एक ऐसे फ्यूचर को देखती है जो कि पूरे वर्ल्ड को शॉक करने वाला था, वॉर्न करते हुए कि अर्थ डेंजर में है। एट द बिगनिंग सबको लगा था कि ये बोरिस का इन्वेशन है, लेकिन सब गलत निकले। Later in chapter 173 ये रिवील हुआ कि literally Blast God से लड़ रहा था for 20 years. The same time जब Boris को उसके prophecy के बारे में पता चला। Consider करते हुए कि Blast तभी आता है जब humanity ही crisis में हो, then ये हो सकता है कि यही God का केस है जिसको शिवावा रेफर कर रही थी। In chapter 176 हमें ये पता चला कि शिवावा का power of fortune telling आया था third eye से, जो कि even psychos ने भी अपने teenage में करने का try किया। और future देखने की ability आती है none other than God से। As seen जब वो psychos के दिमाग को corrupt करता है, जब वो third eye को use करने का try कर रही थी। जो कि हो सकता है कि fortune teller जो कि Boris ने देखा था, वो भी God से corrupt था। बोरिस ने हमें इनफैक्ट आखिरी टाइम में ये भी कहा था कि आखिर कैसे प्रोफेसीज ट्रस्ट नहीं हो सकती, और यही वो मोमेंट था जब मांगा पर्पसफुली मून की तरफ फोकस करता है, वेरी सेम प्लेस जहाँ पे गॉड कैद है और वो सारे लोगों को देख रहा है। Now in this cruel dragon story, Saitama battle कर रहा है Blast को, जहाँ पे वो क्यूब को find करता है और final boss को destroy, foreshadow करते हुए One Punch Man को, confirm करते हुए कि Saitama ही वो weapon है जो कि Earth को बचाएगा against its biggest crisis. I don't think कि किसी को बताने की जरूरत भी है। Just like this chapter, Saitama ये care नहीं करता कि उसका name history में है या नहीं। फर्स्ट थिंग जो वो करता है, वो घर जाके गेम खेलता है। We don't care. ये पैनल राइट है पैरेलल करता है 192 को किंग और साइतामा के पॉइंट ऑफ व्यू में। इस चैप्टर में किंग घर वापस जाता है आफ्टर कि वो स्ट्रेंथ को काफी देर से तलाशता है। सबसे तंग आके वो अपने ट्रू लिबरेशन में आता है वीडियो गेम। किंग साइतामा को यही कहता है कि आखिर कैसे वो एक डिल्यूशनल लाइफ जी रहा है और वो इसे काफी हार्डली मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली इसी चैप्टर में साइतामा भी इग्नोरेंस को बताता है जो कि वो वर्ल्ड के कल्चर को देता है। उसे लगता था कि कोड और सील्स जस्ट एनिमे और मांगा में ही एग्जिस्ट करता है। ये हमें लेके आता है किंग के स्पीच में ऑफ चैप्टर 76, जब साइतामा ने कहा कि वो टॉप पे है और वो ग्रो नहीं कर सकता। तब किंग ने कहा कि हीरो जस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता जस्ट फिजिकली, बट ऑल्सो उसे आगे बढ़ना चाहिए, उसे अपने ही अंदर का तस्वीर देखना चाहिए जो कि उसे आगे लेके जाएगा। ये सिमिलर है इसी चैप्टर की तरह जहाँ पे साइतामा बिल्कुल क्लूलेस है इस वर्ल्ड में कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। सारे लोग कहीं ना कहीं अपने सोल को सर्च करने चाहते हैं और साइतामा को भी वही करना चाहिए। बट बिफोर कि वो डेस्टिनेशन तय कर पाते, तभी एक बेल बजता है। उन्हें विजिट करता है नन अदर देन फ्लैशी Flash, जो कि मोनाको को सर्च कर रहा है और वो साइतामा को कहता है कि वो उसका डिसाइपल बने। ये फोरशैडोड था इन चैप्टर 126, जब फ्लैश ने ये डिसाइड किया कि साइतामा कहीं ना कहीं काफी अच्छा है, लेकिन उसके स्ट्रेंथ पॉलिश नहीं है एज कम्पेयर टू एक प्रोफेशनल। इन द फर्स्ट मीटिंग उसे लगा कि साइतामा एक मॉन्स्टर है और उनकी एक फाइट हुई थी।
आफ्टर उनके पहले फाइट के बाद फ्लैशी ने उसे काइंड ऑफ रिस्पेक्ट तो दिया, लेकिन अगेन वो इसी कंक्लूजन पे था कि उसे पॉलिश की जरूरत है। वो नॉट ओनली वन नहीं है, इवन अमाई मास्क भी बिल्कुल सिमिलर सोचता है कि साइतामा काफी अच्छा है लेकिन उसे ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो वर्ल्ड का नंबर वन हीरो बन सके। बस वो केयर नहीं करता और वो दरवाजा बंद करता है। लेकिन एक चीज जो कि सबसे हिलेरियस है वो ये है कि बाहर हमें दिखता है कि जेनोस इन सारी चीज को देख रहा था क्योंकि उसने वर्ड डिसाइपल सुना। इट्स लाइक कि वो एक इनसिक्योर गर्लफ्रेंड है। लेकिन फ्लैश के इस बिहेवियर से वो डिस्कस्टेड है क्योंकि उसने उसके मास्टर को मिला विदाउट हिज परमिशन। उसने फ्लैशी फ्लैश को ये कहा कि अगर उसे साइतामा से कुछ कहना है तो वो उसे कहे 20 वर्ड्स के अंदर। सिंस पास्ट में उसके साथ एक सिमिलर चीज हुई थी और साइतामा ने उसे लिटरली सेम चीज कहा था। फ्लैश रिस्पॉन्ड करता है बाय सेइंग कि आखिर वो ऐसी चीजें क्यों कहेगा जिसे लोग डीमन साइबॉर्ग बुलाते, और अगर वो कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करता देन चला जाए। दोनों एक फाइट करने वाले थे लेकिन साइतामा दोनों को रोकता है सिंस ये उसकी नई प्रॉपर्टी है। साइतामा उसे सारे लोगों से इंट्रोड्यूस तो कराता है लेकिन उसे फोर लॉक्स कहलाते हुए, जो कि लिटरली सेम चीज है जो कि साइतामा ने कहा था जब वो उससे पहली बार मिला था। ये इसलिए भी है क्योंकि साइतामा उसका नेम भूल चुका है और वो रिकॉल करने की ट्राई करता है। किंग उसे कहने की तो ट्राई करता है लेकिन फ्लैश फ्लैश कहता है कि लेट हिम ट्राई, जिसका रिस्पॉन्स होता है क्ला क्ला फ्लैश क्लैविकल स्मैश। ये चीज फ्लैशी फ्लैश को बिल्कुल गुस्सा दिला देती है जिसके चलते साइतामा जमीन में गिर जाता है। लाइक लिटरली सारे लोग साइड से डरे हुए हैं कि पावर स्केल यहाँ पे चल क्या रहा। नाउ सीन की जेनोस हमेशा साइतामा के साथ रहता है, वो उसे कहता है कि वो लिटरली कुत्ते की तरह उधर जाके बैठ जाए, लेकिन ये चीज उसे फायदे में नहीं रखती क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है साइतामा अपने दरवाजे को बंद कर देता है, देयरफॉर उसे सेम वर्ड कहते हुए जो कि उसने जेनोस को कहा था। लेकिन द मिशन फ्लैशी फ्लैश जो कि चाहता है कि साइतामा पार्ट हो वो है ऑफ सर्चिंग मोनाको, जो कि गॉड की ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने में मदद करेगा। नाउ जिन्हें याद नहीं है, मोनाको वो मॉन्स्टर है जिसने साइतामा को उसके मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हेल्प किया था इन चैप्टर 122। याद करो कि चैप्टर 139 में तीनों एक साथ थे जब उन्होंने उस क्यूब को छुआ और पहली बार गॉड की आवाज को सुना बिफोर कि उन्हें ब्लास्ट ने सेव। आफ्टर थोड़े से रस्टी स्टार्ट के बाद तीनों ने काफी अच्छा बॉन्ड बना दिया था जो कि हमने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया। क्लोज इनफ कि इवन फ्लैश ने अपनी लाइफ को रिस्क किया उसके लिए और साइतामा ने उसे बचाया ब्लास्ट के इंटेंस क्वेश्चन से, देयरफॉर उसके लाइफ को स्पेयर करते हुए सिंस वो उन दोनों की दोस्त थी। लेकिन बाय द मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क मोनाको ये मॉन्स्टर कहीं ना कहीं गायब हो गया। However, हम उसे लेकिन देख पा रहे थे इन 192 जब उसने किंग को देखा और किंग वहां से पागलों की तरह भाग गया, जो कि काइंड ऑफ आयरोनिक है क्योंकि फ्लैशी फ्लैश ने बस किंग को ही गॉड वाले मीटिंग में बैठने नहीं दिया था एंड किंग एक लौता बंदा है जिसे सही में मोनाको के बारे में पता है। ये काइंड ऑफ ऑब्वियस है कि राइटर और मुराटा ने कहीं ना कहीं वेब कॉमिक्स के मीडियम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि वो फ्लैशी फ्लैश के कैरेक्टर को यहाँ पे यूज कर सके। ये इसलिए है क्योंकि वो आता है निंजा विलेज से, जहाँ पे एक ऐसा मिस्टीरियस बीइंग है जो कि 300 सालों से जिंदा है। 15 साल पहले ये निंजा ब्लास्ट से डिफीट हुआ था और इसे कोमा में भेज दिया गया था। फैक्ट दैट कि ब्लास्ट वहां पे था ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे गॉड का क्यूब था, क्योंकि बेसिकली यही ब्लास्ट का वन एंड ओनली जॉब है। फैक्ट दैट कि ये जगह अपने आप में ही एक क्यूब है, जस्ट लाइक सुकुयोमी की तरह जो कि हमने इनिशियली देखा था। सो ये काइंड ऑफ हम एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये निंजा जिसने ब्लास्ट को फाइट किया ये कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड है सिंस ये 300 साल तक जी चुका है और इसके पास कई मिस्टीरियस एबिलिटीज है। वेल, सबर ही हमें बताएगा कि आखिर इस चीज का रियल आंसर क्या है, लेकिन तब तक के लिए क्यों ना तुम इस वीडियो को देखो जो कि अभी स्क्रीन में दिखाई दे रही है।